हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है नीचे दिए गए नंबर्स को। सबसे पहले हमें दिया है 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5। अगर नीचे हमारे जो बेस है, 2 जो है वो हमारा बेस है, अगर बेस सेम है तो हमारे आंसर में बेस तो जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और जो रेस्ट टू पावर टर्म्स होती है वो इनटू के कारण, इस इनटू के कारण उनके बीच में एडिशन होगा, मतलब ये हो जाएगा 2/3 + 1/5। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे, और हम क्या करते हैं एडिशन में एलसीएम सेम करते हैं, तो 5 3 = 15 एलसीएम में आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10 और 3 1 = 3, तो 10 + 3 दैट इज 13/15। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the power 13/15, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1/3 raised to power 3 और इन सबका होल पावर में 7 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे 1 और इन सबकी पावर में 7 है, मतलब 1 की पावर में भी 7 और 3 to the power 3 की पावर में भी 7, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर में तो कुछ भी हो तो 1 into 1 into 1 7 टाइम करेंगे तो 1 ही रहने वाला है, और नीचे जो है वो क्या होगा, जब पावर की पावर होती है तो इंटू होता है, तो ये होगा 3 to the power 21। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर ये 1 के अपॉन में है, इसे ऊपर ले जाना है, तो 3 की पावर में -21 हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये 1 के नीचे नंबर लिखा गया था, हमने इसको ऊपर लाया है इसलिए, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, 11 की पावर में हाफ है, अपॉन में 11 की पावर में 1/4 है, यहाँ पर हमारे बेस दोनों के सेम है तो यहाँ 11 तो आएगा, लेकिन इनकी पावर्स जो कि ये डिवाइड में है, तो जब ये ऊपर जाएगा 1/4 तो ये माइनस हो जाएगा या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 1/2 में से 1/4 को माइनस करना है। अगेन हम क्या करते हैं, जब फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन होगा तो हमें एलसीएम कॉमन करना पड़ता है, जिसमें 11 हमारा बेस आएगा और 4 2 = 8 और ऊपर आ जाएगा 4 1 = 4 - 2। 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा, और ये अपॉन में 8 एज इट इज़ रहेगा, तो ये 2 1 = 2 and 2 2 = 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओवरऑल कि ये 11 to the power 1/4 होगा हमारा आंसर, राइट। और लास्ट है हमारा 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2। अगर बेस अलग अलग है लेकिन उनकी पावर सेम है, तो नॉर्मली बेस को जो कहा गया है करने का वो करना है, तो यहाँ बेस में इंटू या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बस हमारे बेस का मल्टीप्लिकेशन होगा और उनकी जो पावर है वो वही रहेगी जो दोनों में कॉमन है, तो 7 8 = 56 होता है, और raised to power 1/2, तो ये 56 raised to power 1/2 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा चैप्टर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फॉर द क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।